पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? दिस इज रेणुका सिंह। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरपीएससी एग्जाम का सिलेबस एंड पैटर्न, एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डिटेल सिलेबस के साथ आपके सामने इसका डिस्कस करूंगी सिलेबस। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ विद माय न्यू सेशन, न्यू वीडियो विद आरपीएससी डिटेल सिलेबस। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आज हम बात करते हैं आरपीएससी एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में। जो इसका डिटेल सिलेबस है, सबसे पहले जो आपका आएगा राजस्थान स्पेसिफिक पार्ट से, जो आपका पूछा जाएगा लिटरेचर, ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जितना भी आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, आपका ट्रेडिशनल लिटरेचर, ये सब आपसे पूछा जाएगा। एंड जियोग्राफी ऑफ द राजस्थान, राजस्थान की जियोग्राफी कैसी है वो आपसे पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की इकोनॉमी कैसी है, ये आपसे क्वेश्चन बनेंगे। एंड करंट अफेयर, अपडेटेड करंट अफेयर की राजस्थान में लेटेस्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर हम जनरल टॉपिक की बात करें तो जनरल टॉपिक से आपका प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न आपका पूछा जाने वाला है। ज्योग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड, इंडिया की वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टैक्स से क्वेश्चन बनेंगे आपके। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपका अप टू 10th लेवल का आएगा, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट मेंस एग्जाम। मेंस में आपको मैंने बताया था पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, पेपर 4, जो आपका जीएस है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पेपर 1 में जो आपका जनरल स्टडी पेपर 1 होगा, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स से, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से भी आपका क्वेश्चन बनेंगे 2 to 3। जनरल स्टडी 2 की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जनरल साइंस एंड टेक से आपका क्वेश्चन आएगा, अर्थ साइंस, ज्योग्राफी एंड जूलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे। पेपर 3 का आप बात करते हैं, जनरल स्टडी 3 यूनिट 1 में आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूनिट 2 से कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट 3 की बात करें, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ, ये भी ऐड कर दिया है गाइस, तो ये न्यू हमें देखने को मिला है। जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश आपका पेपर 4 होगा, जहाँ पे आपका ग्रामर, यूसेज ऑफ ग्रामर आपसे पूछा जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश का। कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ट्रांसलेशन एंड प्रेसीज राइटिंग आएगी। एक टॉपिक दे देते हैं, प्रेसी की मैं बात करूं, एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ टाइप आपको, उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है। अगर हिंदी में पूछा है तो आपको उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और अगर इंग्लिश में पूछेंगे तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, गॉट इट। एंड राइटिंग कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, तो आपको यहाँ पे ऐसे लेटर की बात हो रही है यहाँ पे, इन सब पे आपको ध्यान देना है, ये आपके एग्ज़ाम में ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये था हमने बात की आरपीएससी एग्ज़ाम की डिटेल सिलेबस की। तो गाइस, एग्ज़ाम बैक टू बैक हैं, और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना बहुत अच्छी, एक टॉप मोस्ट ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसे इजीली ग्रैब कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, ठीक है।
प्रिलिम्स एंड मेंस, प्रिलिम्स के ही साथ आप मेंस की अगर तैयारी करते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।